यहाँ नरबलि हुआ करती थी। बाद में एक बार ऐसा हुआ कि इन चार खामों में से चमैल खाम में से एक बुढ़िया का एक लौता ही नाती रह गया था। तो वो माँ बारह के वहाँ आई, उसने यहाँ माँ बारह से प्रार्थना की, माँ बारह की मेरा एक लौता ही नाती है, अगर तुझे मंजूर है तो मैं देने को तैयार हूँ। तो माँ बारह ने उसकी प्रार्थना सुनी तो उससे कहा कि इस क्या कहते हैं माँ बारह फील्ड में आप पाषाण युद्ध करो, पाषाण युद्ध करने के बाद जो भी एक आदमी के बराबर रक्त इस फील्ड में बहेगा वो मनुष्य बल के बराबर माना जाएगा। उस दिन से यहाँ पर पाषाण युद्ध चलता है। चमगड़िया खाम हो गया, बिस्त खाम हो गया, गढ़वाल खाम हो गया और चमयाल खाम हो गया, चार खाम ये आपस में भाई हैं। तो आपस में ही पत्थरों की मार करते, जो उन्हीं लोगों में से एक नरबल चढ़ती थी हुआ करती थी पहले, तो उन्हीं लोगों में से ये माँ बारह की जब बुढ़िया यहाँ पर आई, उसने क्या कहते हैं यहाँ पर अपना व्रत रखकर आई, तपस्या की, तो रात भर तो बुढ़िया को सपना हुआ कि उसने कहा कि आप इस फील्ड में क्या कहते हैं पाषाण युद्ध करो, पत्थरों की मार करो, तो इससे कि ताकि मनुष्य बल रुक जाए और एक आदमी के बराबर साल भर रणभूमि में रक्त बह जाए। चलता तो कब ये सावन मास की पूर्णिमा को चलता था। और रोका कैसे जाता है? इसमें रोकने के लिए हम ही पुजारी लोग जाते हैं, चौड़ का की पोस लेके जाते हैं और एक छत्र होता है तांबे का, उसको पकड़ कर जाते हैं, उन्हीं चार खामों को उसको उनको छुआते हैं चौड़ का की पोस, उससे वो आपस में उनका युद्ध छूट जाता है। यहाँ बड़े दूर दूर से सरदार आते हैं, दिल्ली, आगरा, बम्बई, कलकत्ता, मथुरा, कानपुर, विदेश से भी आते हैं, पर्यटन लोग भी आते हैं यहाँ। पहले तो यहाँ क्या कहते हैं सुविधा नहीं थी, इस बार अभी ये हमारे क्या कहते हैं सरकार ने जो पैसा वैसा दे रखा, अब सुविधा होने जा रही है यहाँ पे। तो पर्यटन बाहर आज तक पर्यटन लोगों के यहाँ पर ठहरने के लिए कोई जगह ऐसी जगह नहीं थी, अब जगह भी बन रही है, भारत सरकार की तरफ से आप पैसा आया है इसमें बन रहा है। ये पर्यटन स्थल की तरफ घोषित कर दिया गया है, पर्यटन स्थल में घोषित कर दिया है, ऊपर वो दीर्घायु बना है, उसमें पाषाण देखने के लिए दीर्घायु बना है। ये तो बहुत प्राचीन, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, बताते हैं कि कोई सतयुग की बात बताते, कलयुग आगमन जब पांडवों का अंत हुआ था तब से ही यहाँ देवी का अवतरण हुआ था। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ जब आदमी आदि काल से फिर मानव काल की तरफ बढ़ा, पांडव अज्ञातवास में यहाँ आए थे, यहाँ भीमशिला है, पांडव के अभी चिन्ह पर चिन्ह वहाँ पर तैयार, उनका लिखा हुआ भी वहाँ पर है जो अभी दिखता नहीं होता। अब हम लोग को समझ में नहीं आता ना उसको पढ़ना, क्या लिखा है, क्या लिखा के पंजे तक के सारे निशान। ये उत्तराखंड में मतलब यही मंदिर रह गया था कि मतलब पांचवें धाम में घोषित करना ही मंदिर रह गया था, और मंदिर में सब मंदिरों में विकास हो गया था। ये मूर्ति की स्थापना तो बहुत पहले से है, इसके बारे में कहा नहीं सर, यहाँ लिंग की उत्पत्ति है मूर्ति के साथ साथ, नीचे गुफा है, उस गुफा में जाइए वहाँ पर लिंग की उत्पत्ति भी है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कब हुई क्या हुई करके।